मॉर्निंग दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये शानदार व्यू देखिए आप मेरे पीछे, ये यहाँ पर द्वारका पार्क जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो एंड किया था। ये इधर आप सिग्नल देखें, ये इधर सिग्नल है। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों, और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमने मानसरोवर देखा है लास्ट के कुछ वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, और उनका लिंक मैं इसी में दे दूँगा नीचे। और अभी इस वीडियो में हम यहाँ से इस सिग्नल से, जो मेरे पीछे सिग्नल है, उससे हम पत्रिका गेट तक जाएंगे, और जयपुर का हमें एक एक कोना देखना है और आपको भी दिखाना है। तो पत्रिका गेट तक जाएंगे और मैं आपको पत्रिका गेट तक का व्यू देने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखें, आपको मज़ा आएगा। और अपना कमेंट ज़रूर करें, कोई भी आपका कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये सिग्नल, इससे हमें सीधा निकलना है जहाँ पे आगरा रोड है। यदि हम लेफ्ट में जाते हैं सिपरा पथ है, राइट में जाते हैं तो रिको इंडस्ट्री एरिया है। हमें यहाँ से सीधा निकलना है, आइए चलते। और ये यहाँ का व्यू है, ये इधर द्वारकादास पार्क है, और इधर ये पूरा सिग्नल और ट्रैफिक है। आइए निकलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये सिग्नल से सीधा निकलता ही आगरा और टोंक रोड, और ये जेडीए का वुडलैंड पार्क यहाँ पर इसी रोड के ऊपर। ये पार्क का गेट है, और ये पार्क के साथ में द्रव्यदी नदी जो जयपुर के अंदर से बहती हुई, अभी इसको पक्का बना दिया गया है। ये इसी के ऊपर ब्रिज है जिसके ऊपर अभी हम खड़े हैं, ये इधर जाती है। आइए आगे चलते हैं। और ये फन किंगडम, घूमने की जगह इसी नदी के किनारे पे, और ये रोड आगे चलता हुआ, चलिए आगे चलते हैं इसी में। और ये इसी रोड से फन किंगडम का गेट दूसरी तरफ, और ये पूरा ट्रैफिक चलता हुआ। और इधर ये फन किंगडम का दीवार, और सामने ये रोड का व्यू, और सामने आप देखेंगे तो ये ब्रिज के ऊपर से रेलवे ट्रैक है जो जयपुर से जो चल जाती है सवाई माधोपुर और आगे की तरफ उसी ट्रेन का। आइए आगे चलते हैं। और ये आगे आते ही हमें टोंक रोड मिल जाता है, सीधा ज्वार सर्किल और दिल्ली आगरा रोड है। और यदि लेफ्ट में जाते हैं तो एमआई रोड और जयपुर की तरफ निकलता है, और इसी में यदि हम राइट में निकलते हैं तो टोंक रोड है, वहाँ पर वो बोर्ड हट गया है, अभी सामने से बंद है क्योंकि ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, तो हमें लेफ्ट से निकलना पड़ेगा। आइए चलते हैं। और ये सिग्नल से लेफ्ट निकलते ही बड़े बड़े टावर यहाँ पर, शॉपिंग कम्प्लेक्स, और ये ट्रैफिक आगे फिर सिग्नल है। आइए चलते हैं आगे। और ये आगे चलते ही सिग्नल टोंक रोड का, सीधा ये सिटी के अंदर टोंक रोड जा रहा है, और इधर हमें चलना है राइट साइड में सिग्नल से। और ये सिग्नल से लेफ्ट, सॉरी राइट निकलते ही आगे का व्यू है। और यदि हम इधर घूम के देखें, इधर ये बड़े बड़े होटल हैं, जैसे सामने रेडिसन ब्लू है, और उसके आगे पीछे बहुत सारे होटल यहाँ पर इस रोड पे, टोंक रोड पे हैं। और ये इधर से टोंक रोड का व्यू, तो आइए इस रोड पे आगे चलते हैं। और इसी रोड पे ये प्रेम निकेतन आश्रम मानव सेवा में लगा हुआ, वृंदावन से ये संचालित होता है। वर्ध आश्रम भी है, बच्चों की भी और अनाथों की भी सेवा यहाँ पर की जाती है। और ये यहाँ का व्यू आगे का, आइए आगे चलते हैं। और ये प्रेम निकेतन के सामने ही मेरियट जयपुर, इसी के अंदर जगुआर का शोरूम, ये इसी रोड के ऊपर। आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर गोकुल वाटिका, ये इधर ही अंदर ये गेट इसका, और ये सामने का भी सामने अभी ज्वार सर्किल आ रहा है। आइए आगे चलते हैं। और ये प्रेम निकेतन के अंदर ही प्रेम निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये यहाँ का व्यू।
और ये ज्वार सर्किल में एंट्री करते ही टोंक रोड, B2 बाईपास, जेलन मार्ग और ये रामदास अग्रवाल मार्ग जिस रास्ते से हम आए हैं, और ये हमारी ज्वार सर्किल है। काफ़ी बड़ा सर्किल, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा चक्कर, और ये एयरपोर्ट की तरफ से जो रास्ता आ रहा है। आइए आगे चलते हैं इधर। और ये ज्वार सर्किल के अंदर का पूरा व्यू, और ये यहाँ पर सिग्नल के ऊपर यदि हम लेफ्ट में निकलते हैं जेलन मार्ग है, सीधा निकलते हैं दिल्ली आगरा बाईपास रोड, और यदि चक्कर से घूमते हैं तो इस सर्किल में तो आगे एयरपोर्ट का रास्ता भी निकलता है। और ये द्वार सर्किल के अंदर पत्रिका गेट, और ये सिग्नल का व्यू। और ये जेलन मार्ग से पत्रिका गेट का व्यू। बहुत ही शानदार व्यू। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।